इनको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड डे दीघा का और अभी टाइम हो रहा है 9:30। हम लोग काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर सो रहे थे। और देखिए अभी भी ईजान का नींद नहीं टूटा ना। ईजान ईजान अस्सलाम वालेकुम बोला था। और आज हमारा सेकेंड डे है दीघा में। हम लोग जा रहे हैं अभी मॉर्निंग में, लेट से जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। हाँ, हम लोग लेट हो गए। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। और अभी देखिए रूम का हालत, हम लोग ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद आके थोड़ा सा रूम ठीक करेंगे और उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे। ओके लेट्स गो। हाँ ब्रेकफास्ट करते जाती हूँ। यस बेटा। ईजान देखिए ना पूछ रहा है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। देखिए कितना क्राउड है, मॉर्निंग के टाइम काफ़ी क्राउड रहता है। हम लोग सोच रहे थे हम लोग थोड़ा सा जल्दी उठेंगे बट नहीं हो पाया। हम लोग थोड़ा सा लेट सोए वो इसलिए ईजान नहीं सो रहा था। आज हम लोग यहीं पर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोग का जो होटल है उसी का कैंटीन में। তুমি ব্রেক খাবে নাকি ব্রেকফাস্ট করবে? ব্রেকফাস্ট করবে দুটো ডোসা দিন এর সামনে জিজ্ঞেস করুন দুজনকে এক মশলাদার প্লেট। ये है मेनू, यहाँ का मेनू। अच्छा आइटम्स अवेलेबल है यहाँ पर। और हम लोग ऑर्डर किए कोई डोसा। গুড মর্নিং। না আমি বাকি আছি, আমি বাকি আছি, আমি মেনু নিয়ে বাকি আছি। সেই জন্য তো আপনি কাছে অর্ডার দিলাম। দিলে ভাই আমি বাকি আছি, আমি বাকি আছি অর্ডার দিতে। যে দুজন আপনি আর আমি দুজন দেব অর্ডার। দেখিয়ে জিদানকে পাপা অর্ডার কিয়ে কচুরি সবজি আর শাহিদ ভাই ভি কচুরি সবজি। और दुला भाई वेट कर रहे हैं पराठा के लिए। मेरा भी पराठा आएगा और बच्चों का भी पराठा आएगा। उन लोग ऑर्डर किए मसाला डोसा। देखिए मसाला डोसा, तुम तीनों मसाला डोसा और रिधि रिधि कचौरी। अच्छा, और इन लोग भी कचौरी। बिहारी पराठा है, बिहारी पराठा। अभी हम लोग होटल से निकल गए, अब हम लोग जाएंगे बीच में क्योंकि हम लोग को फिर से भीगना है। तो देखिए बच्चे पहले ही बैठ गए, सब बैठ रहे हैं। सभी को देखिए, सबको डांटते रहते हैं। अब यहाँ देखिए तीनों पीछे बैठी हुई है, अगर एक बार जंप होगा उसके बाद पता चलेगा नीचे बैठी। और उन लोग पीछे बैठे हुए हैं और बच्चे बीच में। मेरा जगह आई थिंक सामने है, अच्छा होगा। और उसके बाद आज पूरा दिन क्या करने वाले आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग साथ में रहिए, आई होप कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। वाले भी
चलो। मेहनत बची है ना। वाओ बीच देखिए, बीच हमेशा ऑल टाइम ही अच्छा लगता है। वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आने से गर्मी फील नहीं होता है। धूप बहुत रहता है बट गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर अपना सैंडल्स रखेंगे। बच्चे लोग हॉर्स राइडिंग करेंगे। जाओ ना आइए, सब सेम रेट है भैया, कोई ज्यादा नहीं लेगा। एक बड़े का साथ एक बच्चा फ्री आ जाओ। रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। बड़ा एक बच्चा जान, फोटो मारिए, फोटो वहां पे खड़ा करके ले लेंगे। मेरा समझे राजा भाई, मेरा शुगर कम हो जाए, इतना दौड़ा दिया। आपका शुगर ले रहा है कि हमारा रेट फिक्स है। हल्का हल्का। ओए दादा এত বড় ঘোড়া রাখবেন আর সিঁড়ি দিচ্ছে না। বহুত মুশকিল সে চল রিয়ে দেখিয়ে। ये लास्ट राइडिंग हो रहा है, ये शाहिद भाई का हो रहा है लास्ट राइडिंग। और यहाँ पर सब क्या कर रहे हैं देखिए, थोड़ा सॉरी सॉरी, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन क्या बना रहा है, सैंड कैसल बन रहा है। अच्छा सैंड कैसल बन रहा है। और इकरा चीटिंग हो रही है मेरी, देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप हो रहा है, लेकिन नहीं तीनों का सेम शेप है और इनका डिफरेंट हो रहा है। अरे वाह ग्रेट। और देखिए यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। ये मम्मा ओके हेल्प करो, ए ए मम्मा मूव। वाओ ये देखिए ईजान का ये सेकंड टाइम है, ईजान बहुत ज्यादा डरपोक है। लेकिन टाटा मम्मा टाटा, इनको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का राफ्टिंग है, अब हम लोग राफ्टिंग करेंगे। सब जैकेट पहन लिए, कैसे एक्साइटेड हो। चलिए सब जैकेट पहन लिए, अब मेरा बारी है, यहाँ से जैकेट लिया जा रहा है। ए जीजा निजान को पहना दो ना पा, जीजा निजान को पहना दो, ईजान को पहनो पहनो मम्मी, ईजान জিদান পরে নিয়েছে। আব হাম লোগ রেডি হ্যায় রাফটিং কে লিয়ে। अब देखिए एक एक करके सब बैठ रहे हैं।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब हम लोग भीग रहे थे, एक्चुअली हम लोग सारा ग्रुप बना के पानी के बहुत ज़्यादा अंदर में थे, और रजीदान के पापा दोनों बच्चों को लेके थोड़ा देर के लिए साइड में आ गए थे। देखिए बच्चे, रजीदान के पापा थोड़ा देर तक बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किए, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। देखिए बच्चे दिल खोल के भींग रहे थे, खेल रहे थे। ऐसे तो घर पर बिल्कुल भी अननेसेसरी भीगने नहीं देते, बट बीच में छोड़ दिए थे। हम लोग सोच रहे थे कि बस दो दिन का बात है, तो बच्चों को जितना इन्जॉय करना है इन्जॉय कर लेने देते हैं। फिर मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है, मतलब मेरी बड़ी आपा है, वो बच्चों को लेकर चली गई थी होटल रूम में, उन लोगों को फ्रेशन अप की और उसके बाद उन लोगों को सुला दी थी, बिकॉज़ बच्चों को उतना ज़्यादा भी भीगना नहीं चाहिए ना, बिकॉज़ दो दिन तक कंटिन्यू उन लोग भींग रहे थे, तो काफ़ी इन्जॉय किए बच्चे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा लेट से गए, मतलब हम लोग इवनिंग में हम लोग होटल रूम में पहुँचे, तब तक बच्चों का नींद पूरा भी हो गया था। और ये रहा दीघा व्लॉग का पार्ट 3 पोर्शन, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, अगर अच्छा लगे वो भी बताइएगा, बुरा लगे वो भी बताइएगा। तो आज के वीडियो इसी में एंड करते, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और अच्छे से रहिए, और दुआ कीजिएगा हम सब भी अच्छे से रहे, और नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्दी इसका पार्ट 4 लेके, आई थिंक वो लास्ट ब्लॉग होगा होपफुली। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है।